क्योंकि अब मैं जिसे बुलाने जा रहा हूं वो निसाई लहजे की तर्जुमानी में एक ऐसा नाम है जो हमारे मुल्क की नुमाइंदगी हिंदुस्तान भर के मुशायरों के अलावा मुल्क की सरहदों से बाहर भी कर रही है। एक ऐसी शायरा जो आज की खातून की आवाज बनकर मुशायरों में आज की खातून के जज्बात को अपने लहजे में उसकी तर्जुमानी करते हुए पूरे मुल्क में लोगों की दुआएं हासिल कर रही हैं, मोहतरमा अलीना इतरत साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैं उनसे ये गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से आज के मुशायरे में अपने कलाम की खुशबू बिखेर कर इस महफिल को मुअत्तर कर दें। मोहतरमा अलीना इतरत साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया सदर मोहतरम की इजाजत से। एक मतलब और एक शेर से आगाज करती हूँ। जिनके मजबूत इरादे बने पहचान उनकी, जिनके मजबूत इरादे बने पहचान उनकी, वाह, मंजिलें आप ही हो जाती हैं आसान उनकी, वाह वाह वाह। जिनके मजबूत इरादे बने पहचान उनकी, मंजिलें आप ही हो जाती हैं आसान उनकी, और बंद रहते हैं जो अल्फाज किताबों में सदा, बंद रहते हैं जो अल्फाज किताबों में सदा, बंद रहते हैं जो अल्फाज किताबों में सदा, गर्दिशे वक्त मिटा देती है पहचान उनकी। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। और क्योंकि टाइम कम है तो मैं एक गजल तरन्नुम में पेश कर देती हूँ। जी वो वाली नहीं, ये आप अपनी मर्जी से गजल पढ़िए और उसके बाद में वो गजल आपसे जरूर पढ़ी सुनवाई जाएगी जिस गजल को पूरी दुनिया में बार बार लोग सुन रहे हैं। अभी कुमार की नीयत बदल भी सकती है, ये जो गजल है उसको जरूर सुना जाएगा। आप अपनी मर्जी से पहले एक गजल पढ़ लीजिए, उसके बाद एक गजल वो सुनी जाएगी जिसकी सब लोग फरमाइश कर रहे हैं। ठीक है, लीजिए हम से बाकमाल, लोग भी आम हो गए, लीजिए हम से बाकमाल, लोग भी आम हो गए, जिनसे गुरेज था हमें हमसे वो काम हो गए, वाह, जिनसे गुरेज था हमें हमसे वो काम हो गए, हमसे वो काम हो गए, आपकी बदाई दे आखिर से दिखा गई, आपकी बद्दुआए दिल आखिर असर दिखा गई, आपकी बद्दुआए दिल आखिर असर दिखा गई, आखिर असर दिखा गई, वाह, हमको भी इश्क हो गया, हम भी गुलाम हो गए, वाह 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 वाह, हमको भी क्या कहना, क्या कहना हो गया, वाह वाह वाह, आपकी बदाई दिल आखिर आखिर से दिखा गई, वाह वाह वाह, आपकी बदाई दिल वाह आखिर से दिखा गई, वाह, हमको भी इश्क हो गया, क्या कहना, हम भी गुलाम हो गए, क्या कहना, हमको भी इश्क हो गया, जी
चादर सर से हवा जले उड़ी, चादर जुल्फ के सारे पे चोखम मंजर आम हो गए, जुल्फ के सारे पे चोखम मंजर आम हो गए। आप से आप छट गए, अब्र घने हिजर के, आप से आप छट गए, अब्र घने हिजर के, क्या कहना, हम भी शबे सियाह से माह तमाम हो गए। वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना मुसलमान, वाह वाह सियाह से भाई क्या कहना, माह तमाम हो गए। और ये शेर भी देखिए, इरशाद, मौजज़ा ये नहीं तो क्या नजरें मिली नबात की, मौजज़ा ये नहीं तो क्या, क्या कहना, नजरें मिली नबात की, वाह वाह, फिर भी सलाम हो गए, फिर भी प्याम हो गए, वाह 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 वाह, फिर भी सलाम हो गए, फिर भी प्याम हो गए, फिर भी प्याम हो गए। वाह 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 वाह। और मक्ता पेश करती हूँ, इरशाद, ये कार इश्क का सफर ऐसे अली न तय हुआ, ये कार इश्क का सफर ऐसे अली न तय हुआ, वाह वाह वाह, दिल उनका हम रख लिया, खुद उनके नाम हो गए, हमने रख लिया। हजरत, इस मक्ते पर थोड़ी सी बेदारी आपके अंदर मुझे नजर आई, दिल उनका हमने रख लिया, हम उनके नाम हो गए, ये जो मिसरा है और इस पर जो आपके आंखों में मैंने चमक देखी, इसका मतलब यह है कि मोहब्बत का मतलब तो आप समझते हैं, बस थोड़ा सा शर्मा रहे हैं या थोड़ा सा झिझक रहे हैं। ये झिझक तोड़िए और इस शर्म से बाहर निकलिए। एक बार तालियों की गूंज में अलीना इतरत साहबा एक साहिबा को बताइए कि आप उन्हें पसंद कर रहे हैं। ये गजल आपने भरपूर खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पढ़ी है और आपने वैसे ही सुनी है, तो अब एक और गजल के लिए हमने उनसे फरमाइश की है, वो गजल अलीना इतरत साहिबा से सुनी जाएगी। और वैसे भी अगर एक आध शेर ऐसा भी पढ़ दें, वैसे वो बहुत संजीदा कलाम सुनाती हैं, बहुत संजीदा कलाम कहती हैं, अगर एक आध शेर ऐसा भी पढ़ दें जिसमें मोहब्बतों के अच्छे दिनों का जिक्र हो, तो जरा उससे भी यहाँ पे कुछ फायदा मिल जाए। अभी पढ़िए ना जी। खिजा की ज़ेद सी रंगत बदल भी सकती है। सुनिए भाई जी, लगा के सुनिए ये गजल, क्या खूबसूरत गजल है, वाह। इसकी आवाज थोड़ी सी बढ़वा दी, बस जरा सा आवाज बढ़ा दीजिए भाई साहब, ऐसे ही है, थोड़ी सी बढ़ा दीजिए।
खिजा की जैद सी रंगत बदल भी सकती है, बहार आने की सूरत निकल भी सकती है, बहार आने की सूरत निकल भी सकती है। जया की शम्मा अब उठ उठ के देखना छोड़ो, जला के शम्मा अब उठ उठ के देखना छोड़ो, शम्मा अब उठ उठ के देखना छोड़ो, वो जिम्मेदारी से अज खुद पिघल वो जिम्मेदारी से अज खुद पिघल भी सकती है। क्या कहना, जरा संभल के जलाना अकीदतों के चरा, जरा संभल के जलाना अकीदतों के चरा, भड़क न जाए के मसनद ये जल भड़क न जाए के मसनद ये जल भी सकती है, जल भी सकती है। वाह, ये आफताब से कह दो आफताब से कह दो आफताब से कह दो कि फासला रखे, तपिश से बर्फ की दीवार गल सकती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। ये आफताब से कह दो कि फासला रखे, तपिश से बर्फ की दीवार गल भी सकती है, तपिश से बर्फ की दीवार गल भी सकती है। वाह वाह, अभी तो चाक पा जारी है रक्स में टीका, अभी तो चाक पा जारी है रक्स मिट्टी का, अरे अभी तो चाक पा जारी सुमिटी का, अभी कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है। अरे वाह 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 भाई। अच्छा ये बताइए, देखिए ये रघुवीर नगर के जिंदा दिल लोग मेरे सामने हैं, मैं आपसे पूछता हूँ ईमानदारी से मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या ये शेर एक बार फिर पढ़ा जाना चाहिए? पढ़ा जाना चाहिए तो मुझे बताइए, क्या आपके पास आपका दाया हाथ है तो उसे हवा में उठाएं, अच्छा बायां भी निकाल के ऐसे कर लें और दोनों को तालियों में बदल के उर्दू एकेडमी देवली के लिए इस्तकबाल करते हुए अलीना इतरत साहिबा से कहें कि ये शेर एक बार फिर पढ़ा जाए। अभी तो चाक पा जारी है रक्स में टीका,
बदल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपनी जिंदा दिली का सबूत दे दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई जरूरी नहीं वो ही दिल को शाद करे, कोई जरूरी नहीं वही दिल को शाद करे, कोई जरूरी नहीं वो ही दिल को शाद करे, कोई जरूरी नहीं वो ही दिल को शाद करे, अली ना आप तबीयत बहल भी सकती